हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम डी एस एस बी जे सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2015 में आज हम उसके प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है थ्री करेंगे तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और बाकी का पार्ट और वन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पहला क्वेश्चन है द वायर मेस प्रोवाइडेड इट द कॉर्नर्स ऑफ ए टू वे स्ब यहाँ पर पूछा है कि आपकी टू वे स्लेब के कोनों में लगाई गई जो वायर मेस होती है वो क्या करती है ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कंट्रोल्स क्रेकिंग ऑफ कॉर्नर्स कॉर्नर्स में जो भी क्रेकिंग आती हैं उन्हें कंट्रोल करती है या प्रीवेंट्स कॉर्नर्स फ्रॉम लिफ्टिंग कोनों को जो है ऊपर की ओर उठने से रोकती है या डिस्ट्रीब्यूट बेंडिंग मोमेंट यूनिफॉर्मली जो भी बेंडिंग मोमेंट होता है उसे बराबर भाग में जो है वितरित करती है या न तो आपकी टू वे स्लेब के कॉर्नर में लगाई गई जो वायरमेस होती है वो कंट्रोल करती है क्रेकिंग को ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा अगला क्वेश्चन है इन्हें टू वे रेक्टेंगुलर रेनफोर्स फुटिंग द सेंट्रल बॉन्ड इन लॉन्ग डायरेक्शन कॉन्टेन्स टू वे रेक्टेंगुलर रेनफोर्स फुटिंग में लंबी दिशा में जो है सेंट्रल बंड होता है मोर रेनफोर्समेंट होता है या फिर शॉर्ट डायरेक्शन के जो है दो गुना रेनफोर्समेंट होता है या कम रेनफोर्समेंट होता है या ननाफावो तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा अगला क्वेश्चन है इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स इन फ्लेक्सर द अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट इज लिमिटेड टू तो। आपके फ्लेक्सर में लिमिट स्टेट की कंडीशन में जो है कंक्रीट में जो अल्टीमेट स्ट्रेन होती है उसे कहां तक सीमित किया जाता है तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव तक इसे जो है लिमिट किया जाता है अगला क्वेश्चन है फ्लेट्स आर यूज एज टेंशन मेंबर्स इन जो फ्लेट्स होते हैं इनका यूज एज ए टेंशन मेंबर कहाँ पर किया जाता है रूफ ट्रस में करते हैं ट्रांसमिशन टावर्स में करते हैं सस्पेंशन ब्रिज में करते हैं या आला फो में करते हैं तो फ्लेट का यूज जो है एज ए टेंशन किया जाता है में ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एग्रीगेट्स इन कंक्रीट इज टू सर्वेज आपकी जो कंक्रीट बनती है उसमें जो एग्रीगेट होता है उसका काम क्या होता है वो एज ए बाइंडिंग मटेरियल होता है या फिलर होता है या एज ए कैटलिस्ट होता है या फिर ऑल ऑफ दीज तो आपके कंक्रीट में जो एग्रीगेट होता है वो कार्य करता है एज ए फिलर ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा अगला क्वेश्चन है इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इसका आंसर तो सभी को पता है जो भी आपकी ओ होती है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है तीस मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है टेन आवर्स अगला क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ इम्प्लॉय टू कीप द वर्किंग स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो यूज है वो वर्किंग स्ट्रेस को कहाँ पर रखने के लिए किया जाता है इलास्टिक लिमिट के नीचे रखने के लिए या प्रोपोर्शनल लिमिट के नीचे रखने के लिए या फिर इल्ड पॉइंट के जो है नीचे रखने के लिए या फिर इन दोनों के इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट के आपका ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा अगला क्वेश्चन है ए फोर्स वेन अप्लाइड टू ए बॉडी ंग वन किलोग्राम एंड गिविंग इटे एसेलेशन ऑफ वन मीटर सेकेंड इज जब एक किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड को फोर्स का जो है यूज करके एक मीटर सेकेंड स्क्वायर का जो है त्वरण तो दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं उसे एक डाइन कहते हैं एक न्यूटन कहते हैं तो इसे कहते हैं एक न्यूटन ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स के प्रोसेस को फाइंड करने के जो है तो इसे कहते हैं संयोजन ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ थिन सिलेंडर इज यूज टू डिजाइन सरफेस टैंक वॉल्स ऑफ थिन सिलेंडर थ्योरी का यूज जो है इसकी सतह टैंक दीवार की जो है बनावट में होता है तो इनका यूज होता है सर्कुलर टैंक विद फ्लेक्सिबल ज्वाइंट एट बेस अगला क्वेश्चन है द वर्टिकल एंगल बिटवीन लोंगीटनल एक्सिस ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडिल एंड ए होरिजोनटल लाइन एट इट्स पीवट इज नोन एज तो इसे क्या कहते हैं डेक्लिनेशन कहते हैं एजीमत कहते हैं डिप कहते हैं या फिर बियरिंग कहते हैं तो इसे कहते हैं डिप ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा अगला क्वेश्चन है माइल स्टोन चार्ट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर माइलस्टोन स्टोन चार्ट जो है वो किसे इम्प्रूव करके बनाया गया है ऑप्शन आपको दे रखे हैं बार चार्ट को या पर्ट को या सी को या फिर इन सभी को तो जो माइलस्टोन स्टोन चार्ट है वो जो है इम्प्रूव करके बनाया गया है बार चार्ट से ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट इनमें से जो है सबसे कम यूनिट वेट किसका है ऑप्शन आपको दे रखे हैं सेंड स्टोन ग्रेनाइट मार्बल या फिर बेसाल्ट इनमें से सबसे कम यूनिट वेट जो है वो है सेंड स्टोन का ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा अगला क्वेश्चन है आपका ग्लेशियर सॉइल्स आर दोज विच आर आपकी ग्लेशियर सॉइल जो है वो कौन सी सॉइल होती हैं ऑप्शन आपको दे रखे हैं डिपोजिटेड इन सी वाटर जो सागर के पानी में जमा होती हैं या फिर जो लेक के बॉटम में जमा होती हैं या फिर रनिंग वाटर के साथ जो है ट्रांसपोर्ट होती है या नन ऑफ दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा अगला क्वेश्चन है द यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट ऑफ सॉइल विथ यूजुअल नोटेशन ऑफ डिफाइंड एज सॉइल का जो है कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है उसे कैसे डिफाइन करते हैं तो इसे डिफाइन करते हैं डी सिक्सटी अपॉन डी टेन से यही आपका राइट आंसर रहेगा तो आज हमने डी एस बी जो आपका दो हज़ार पंद्रह में एग्जाम हुआ था उसका पार्ट थ्री जो है कंप्लीट कर लिया है बाकी के पार्ट्स जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें